हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देख ही लिया है, ये सेकंड वीडियो है इसका। फर्स्ट वीडियो में यहाँ पे मैं आपको मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया था कि कैसे क्या करना है, शेडिंग कैसे करनी है, उसमें पैचेस कैसे लाना है और स्टेप बाय स्टेप पेंसिल कैसे यूज़ करना है, तो वो सब मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये उसका सेकेंड वीडियो है जो बाकी रह गया था, तो इसको भी आज कंप्लीट करते हैं। बाकी आप देख सकते हो कि मैं कैसे उसमें मर्ज कर रहा हूँ, कैसे उसमें मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। पहले लाइट मैंने यूज़ किया, फिर उसके ऊपर अभी मैं उसको थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने के लिए मैं इस पर टिश्यू यूज़ कर रहा हूँ। चाहे तो आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बट फिलहाल मैं टिश्यू यूज़ कर रहा हूँ। और अभी उसको डार्क करने के लिए मैं टू भी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बेस्ट है, अच्छा है। आप सिक्स ज़्यादा, अगर आपको लगता रहेगा कि ये ज़्यादा डार्क है तो आपको 6B 8B यूज़ करना, ऐसा नहीं है। आप पहले लाइटली पेंसिल से यूज़ करो ताकि उसका आपको डिफरेंस पता चले कि कलर कैसा होना। फिर उसके बाद जब आपको ऐसा लगे कि आपने स्टेप बाय स्टेप पेंसिल जो यूज़ की है तो उसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंस दिख रहा है, तो ये अच्छा है कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बल्कि अगर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा और सीखना बाकी है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप ही जाओ, क्योंकि आप एक बिगनर हो तो आपको हर चीज़ का फॉलो करना ज़रूरी है। बल्कि ये चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है कि आप जब स्केच शेडिंग करते हो तो उसमें प्रॉपर शेडिंग कैसी होनी चाहिए, लाइट टू डार्क होनी चाहिए, और डार्क किधर कैसा कौन सा पेंसिल यूज़ करना चाहिए, मतलब HB 2B जो भी मैंने बताया था आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, वो सब आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे कि अभी किसी के पास HB वगैरह पेंसिल्स वगैरह नहीं रहते हैं, तो वो अप्सरा से या फिर नॉर्मल किसी भी पेंसिल से यूज़ करते हैं, तो उन्हें थोड़ा नॉलेज होता है, तो वो स्टार्टिंग से ही उस चीज़ पे उनका हाथ बैठ जाता है, तो महंगी से महंगी पेंसिल पे उनका और ज़्यादा जजमेंट बैठ जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अप्सरा वगैरह पेंसिल यूज़ किया हुआ है। मैं भी पहले यूज़ करता था, तो ही मेरा आज जा कर के इसमें हाथ बैठा हुआ है। तो आपको भी अगर लगता है कि अगर ये आप इतनी महंगी महंगी पेंसिल्स नहीं यूज़ कर पाओगे तो आप अप्सरा ही यूज़ करो, मैं तो आपको यही बोलूँगा, क्योंकि स्केचेस के लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं है कि आप पेंसिल कौन सी यूज़ कर रहे हो कौन सी नहीं, बस आपका हाथ आप बना कैसे रहे हो, आपका हाथ उसे प्रॉपर बैठा कैसा है, आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो, आपकी लाइटिंग कैसी है वहाँ पे, आपकी डार्कनेस कैसी है वहाँ पे, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो यही आप ध्यान रखो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी और भी आप देख रहे हो कि मैं अभी जेल यूज़ कर रहा हूँ वाइट पैचेस लाने के लिए, जो जेल बहुत बेस्ट है, मैं तो यही बोलूँगा, और आप भी जेल यूज़ करो। बस देख सकते हो कि मेरा ये कंप्लीट होने वाला है, और बाकी जहाँ जहाँ मेरे को जेल पैचेस देने गए, वाइट वाइट पैचेस देना है मुझे, मैं वहाँ पे जेल का काम कर रहा हूँ। आप तो चाहे ब्रश से, मैंने आपको बताया था कि मतलब कलर भी यूज़ कर सकते हो, तो कलर यूज़ करो या फिर जेल यूज़ करो, बहुत बेस्ट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट जेल कैसा ईजी है, वो अपने हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईजी है। Yeah.
तो गाइस देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है, लगभग लगभग पूरा कंप्लीट हो ही गया। तो कैसा है बताना मुझे कमेंट करके। बाकी का मैं अगला वीडियो भी अच्छा बनाऊंगा स्केचेस का। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि अगली वीडियो मिले। तो बाय।